Business News is brought to you by Winner Institute. नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। 1.72 लाख करोड़ जीएसटी संग्रह अक्टूबर में सालाना आधार पर 13% बढ़ा। महंगा हुआ कमर्शियल सिलेंडर, 101 रुपए की वृद्धि एक महीने में दूसरी बार बढ़े दाम। तेल विपणन कंपनियों ने बुधवार को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 101.5 रुपए की बढ़ोतरी की है, जो 1 नवंबर से ही लागू हो गई। संशोधित दरों के अनुसार दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर अब 1,731 रुपए से बढ़कर 1,833 रुपए हुआ है। एक माह में यह दूसरी बार है जब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की गई। 1 अक्टूबर को 209 रुपए प्रति सिलेंडर दाम बढ़ाए गए थे। मुंबई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,785.50 रुपए होगी। वहीं कोलकाता में लोगों को इसके लिए 1,943 रुपए चुकाने होंगे और चेन्नई में इसकी कीमत 1,999.50 रुपए प्रति सिलेंडर होगी। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन द्वारा बढ़ा दी गई है। माल एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह अक्टूबर में सालाना आधार पर 13% बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यह जीएसटी संग्रह का दूसरा सबसे ऊंचा मासिक आंकड़ा है। एक साल पहले अक्टूबर 2022 में जीएसटी संग्रह 1.52 लाख करोड़ रुपए रहा था। मंत्रालय ने बयान में कहा कि अक्टूबर 2023 के लिए जीएसटी राजस्व अप्रैल 2023 के बाद दूसरा सर्वाधिक आंकड़ा है। अप्रैल 2023 में जीएसटी संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपए रहा था। वित्त वर्ष 2023 और 24 में औसत मासिक जीएसटी संग्रह 1.67 लाख करोड़ रुपए रहा है। यह पिछले साल की तुलना में 11% अधिक है। विमान ईंधन या ATF की कीमतें में करीब 6% की बुधवार को कटौती की गई। विमान ईंधन के दाम में जुलाई से 4 बार बढ़ोतरी के बाद अब दाम में कटौती की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के ईंधन खुदरा विक्रेताओं के मूल्य अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन ATF की कीमत 6,854.25 रुपए या 5.79% कम होकर 1,18,199.17 रुपए से 1,11,344.92 रुपए प्रति किलोलीटर हो गई है। इस तरह विमान ईंधन की कीमत में करीब 6% की कटौती की गई है। ATF की कीमतों में कटौती ने एयरलाइन कंपनियों के बोझ को कम कर दिया है। दरअसल विमान में ATF की परिचालन लागत 40% होती है। विदेशी पूंजी की निकासी और फेड की बैठक से पहले निवेशकों के सतर्क रुख के चलते बुधवार को शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट आई है। सेंसेक्स 284 अंकों की गिरावट के साथ 63,591 पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान एक वक्त यह 324 अंक लुढ़क कर 63,555 तक नीचे आ गया था। निफ्टी में 90 अंकों की गिरावट रही। यह 19,000 से नीचे 18,989 पर बंद हुआ है। निवेशकों ने मेटल, बिजली, ऑटो और बैंकिंग शेयरों में बिकवाली की, जबकि टेलीकॉम शेयरों में बढ़त से नुकसान पर अंकुश लगा। आयकर विभाग ने आज बताया कि आकलन वर्ष 2023 और 24 के लिए 31 अक्टूबर तक 7.85 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। विभाग ने यहाँ आंकड़े जारी करते हुए समय पर अनुपालन के लिए करदाताओं और कर पेशेवरों की सराहना की और कहा कि 31 अक्टूबर RTR 7 को छोड़कर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि थी। विभाग ने अब तक रिटर्न नहीं दाखिल करने वालों से समय पर कर अनुपालन करने की भी अपील की है। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 31 अक्टूबर तक दाखिल कुल रिटर्न अब का सर्वाधिक 7.85 करोड़ रिटर्न रहा है, जबकि आकलन वर्ष 2022-23 के लिए 7.78 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे। विभाग ने कहा कि आकलन वर्ष 2023-24 के लिए दाखिल रिटर्न में से 7.51 करोड़ का सत्यापन किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, NBCN न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। 1.72 लाख करोड़ जीएसटी संग्रह अक्टूबर में सालाना आधार पर 13% बढ़ा। महंगा हुआ कमर्शियल सिलेंडर, 101 रुपए की वृद्धि एक महीने में दूसरी बार बढ़े दाम। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए NBCN न्यूज़। नमस्कार।